सपा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है। कभी योगी सपा और मुलायम सिंह यादव के पारिवारिक कलह पर तंज कसते हैं तो कभी अखिलेश यादव योगी सन्यासी होने के दिखावे पर कुछ मिलाकर सपा और बीजेपी का ये वॉक युद्ध अपने समर्थकों को कई बार पेश में डाल दिया है। समर्थकों को समझ नहीं आता कि राजनीति या पारिवारिक विवाद। एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने योगी पर हमला करते हुए उनके सियासी होने पर भी तंज कस दिया था। क्या था ये पूरा मामला, ये हम आपको बताते हैं। अखिलेश यादव एक इंटरव्यू में बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा था कि ये पार्टी जनता को बहका कर वोट लेती है। अखिलेश यादव ने कहा था कि योगी सरकार के कार्यकाल में शिक्षा मित्रों पर सबसे ज्यादा डंडे चले थे। इस दौरान विरोध में बाल मुड़वाने वालों पर योगी ने ताना मारा था। अखिलेश ने योगी के उस बयान पर तंज कसते हुए कहा कि योगी ने कहा था कि शिक्षा मित्र अपने बाल इसलिए मुड़वा रहे हैं क्योंकि वे कोई पाप किए होंगे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने योगी पर तंज कसा, उन्होंने कौन से ये पाप किए जो हर दिन 3 दिन पर थर्शन में बाल छिलवाते रहते हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी सरकार की बंदर भागने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने पर भी खिल्ली उड़ाई थी।